नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टडी चैनल पे। यूट्यूब पे और फोन पर कॉल पे मैसेज पे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल एक ही है, क्या है कि 3 नवंबर को पेपर होगा या नहीं होगा, सबसे ज्यादा जूनियर असिस्टेंट का पेपर। इसका केवल एक कारण है, केवल एक कारण है, क्या है, जो 8 अक्टूबर को नोटिस जारी हुई थी। 8 अक्टूबर को नोटिस में क्या था, इसके पहले वाले नोटिस में था कि 3 नवंबर को जूनियर असिस्टेंट का पेपर होगा रविवार को, लेकिन जो 8 अक्टूबर को नोटिस जारी किया आयोग ने, UP SSC आयोग ने, उसमें ये कहा गया कि 3 नवंबर नहीं, नवंबर में इसका जो है कि संभावित है पेपर, क्या है, संभावित है। सबसे ज्यादा इसी पर संभावना की वजह से ही इस पर लगाया जा रहा है कयास कि पेपर टल जाएगा, पेपर टल जाएगा। देखिए दोनों पक्ष बता दिया जा रहा है, टल जाएगा कि नहीं टलेगा, इसके बाद बताऊंगा कि लगभग क्या रहेगा, टलेगा कि नहीं टलेगा। देख लीजिए क्या है, टलने का क्या है चांस, टलने का चांस इसलिए है कि उसी दिन एक और पेपर उसी का है, ठीक है, UP SSC का ही बड़े पेपर है उसी दिन, तो जो कि दोनों वही करा रहा है, तो वो भी बड़े ही स्तर पे है, इसीलिए ये तो है टलने का पूर्ण पूर्ण संभावना, और उसका कंफर्म हो चुका है कि वो टले नहीं टलेगा, उसी दिन होगा 3 नवंबर को। लेकिन आज है 23 तारीख, 23 नवंबर, अभी तक नोटिस नहीं आया आयोग का कि 3 नवंबर को पेपर है कि नहीं है, ठीक है, यहाँ तक तो यहाँ टलने तक पूरा है कि टल सकता है, लेकिन अब न टलने का क्या है, न टलने का है कि मंडी परिषद जो हुआ था इसके पहले पेपर आपका, उसका भी बहुत पहले ही नोटिस नहीं देने के वजह से बहुत कम समय रह गया था, तभी नोटिस दिया गया था, इसीलिए ये भी हो सकता है कि मे भी चांस बहुत कम है, लेकिन हो सकता है कि न टले 3 नवंबर को ही। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहिए, न कि अलग फालतू अफवाहों से गिर कर कि अपने तैयारी को भी रोक कर चले, यार तो टल गया, चले जाइए इधर करिए वो करिए, तो ये नहीं करना है, अपने तैयारी को एक्यूरेट रखिए। 3 नवंबर के हिसाब से यदि टलेगा तो जरूर नोटिस आएगा, और आयोग तो नोटिस खुद देगा, और ये यूट्यूब कहाँ इनके यहाँ फोन करके आयोग कहेगा अलग से, नहीं ना, तो आपके तो यहाँ तो तुरंत पहुंच जाएगा, आयोग खुद नोटिस देगा पहले, सबसे पहले, तो इसीलिए कहीं अफवाहों से दूर रहिए। यदि टलेगा भी तो लगभग 20 से 30 नवंबर के बीच में आपका पेपर हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर में कई बड़ी पेपर परीक्षाएं हैं, इसलिए दिसंबर में नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा समय मिलेगा, तो आपको 15 डेज का आपको मिलेगा समय, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो यही है कि जरूर से जरूर इधर उधर अफवाहों से दूर रहिए, नोटिस आयोग UP SSC वेबसाइट जरूर देखते रहिए, UP SSC वेबसाइट देखते रहिए, हाँ उस पर कुछ भी आएगा तो तुरंत उसी पर आएगा, इन लोगों के यहाँ घर थोड़े भेजा जाएगा कि चाहे जो भी है व्यूज बढ़ाने के लिए दे दे रहे हैं तुरंत, तो है एक है नोटिस आएगा, UP SSC आयोग को चेक किए कीजिए, अगर उससे हो जा रहा है तुरंत आएगा, हाँ, और वो भी है कि 24 से 26 के बीच में हो सकता है आयोग नोटिस जारी कर दे कि टलेगा कि नहीं टलेगा एग्जाम, ठीक है। तो ये रहा आपका, अगर टलेगा भी तो 20 से लेकर 30 के बीच में होगा, 30 नवंबर के बीच में, अगर नहीं टलेगा तो 3 नवंबर रविवार को तो होगा ही, तो अब जिसका अगर होगा तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं होगा तो और 15 दिन समय मिल जाएगा, ठीक है, अपनी तैयारी को ऐसे ही बनाए रखिए, ठीक। अगर अच्छा लगा वीडियो जरूर लाइक करिएगा, और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छी जितने भी एक्यूरेट वीडियो मिलेगी, एक्यूरेट ना कि कोई गलत न्यूज नहीं मिल सकती यहाँ पे, ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।